सभी को आदाब। नौबाद में यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, कम से कम 2,800-3,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका पूरा नाम फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज बोल के नौबाद में है। ये यहाँ पे कई हज़ारों बच्चे पढ़ के गए हैं। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक डिग्री कॉलेज है। यहाँ पे पहले नैक के लिए 5 साल को एक बार इंस्पेक्शन होता है, नैक 1, नैक 2, अभी 3 के लिए हो रहा है। ये स्टैंडर्ड जैसा ISI का जैसा एक ट्रेडमार्क होता है, इसी तरह कॉलेजेस को भी एक ट्रेडमार्क होता है। तो अभी जो इंस्पेक्शन करने आए तमिलनाडु के, वहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और आंध्रा के मेंबर है, प्रोफेसर्स है, जो कॉलेज को देख के फिर नैक का अगर परमिशन दिए हैं, तेलंगाना के, एक तेलंगाना के। तो इससे पहले वुमेंस डिग्री कॉलेज को आए थे, मैं वहाँ पे भी गया था, मैं अरविंद अली MLC, तो वहाँ पे भी नैक का परमिशन मिला, हम भी सपोर्ट किए हैं। यहाँ पे वेल स्टाफ है, बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ है, प्रिंसिपल है, लाइब्रेरियन है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। तो कम से कम इस डिग्री कॉलेजेस को 15 से 20 एकड़ ज़मीन भी है, लैंड भी है। तो कई टाइम मैं जब भी विज़िट करता हूँ, मैं पिछले साल में एक साल के अंदर कम से कम 3-4 बार यहाँ पे विज़िट हुई है डिग्री कॉलेजेस को, और उसले पिछले साल भी हुई थी। तो जब कई बार यहाँ के प्रॉब्लम्स आप बताए थे, प्रिंसिपल, यहाँ के स्टाफ, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरीज में बहुत से अलग अलग कोर्सेस हैं, यहाँ पे कम से कम 10-12 कोर्सेस चलते हैं। तो सभी के लैब के बारे में, फिर लाइब्रेरी के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बिल्डिंग का शॉर्टेज चल रहा था। आप बताइए, जब 3,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला के कितने हो जाते हैं, फोर्थ ईयर मिला के 8-10,000 स्टूडेंट हो जाते हैं, अगर 4-5 साल के बच्चे बनाए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मेन सबसे पहले बिल्डिंग का शॉर्टेज था। तो मैं एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाया हूँ, हमारे जावेद भाई बोल के कंट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग यहाँ पे बनी है वेल फैसिलिटीज़ के थ्रू। और उस बाजू इधर सामने देख सकते हैं 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, और उधर उधर वो साइड देख सकते हैं 1 फ्लोर की, फिर ये साइड आपको दिख रही नहीं, वो ये साइड भी 2 फ्लोर की बिल्डिंग, फिर लाइब्रेरी के लिए मैं सेपरेट, हालांकि लाइब्रेरी इसी बिल्डिंग में बना सकते थे, नहीं मैं लाइब्रेरी उसको सेपरेट होना बोल के डिजिटल लाइब्रेरी होना, जो पूरा आजकल कंप्यूटर से थ्रूआउट वर्ल्ड के भी एजुकेशन कंप्यूटर से मार के स्टूडेंट्स निकाल लेना बोल के, नियर 2 लैक्स बुक्स और 6,000 जर्नल्स उसके अंदर आते हैं। तो इसके लिए सेपरेट लाइब्रेरी, हर एक चीज़ का सेपरेट बिल्डिंग पूरा बना के यहाँ पे मैं ये लोगों को दिया हूँ। 2-3 साल के अंदर कम से कम 10 करोड़ रुपये तक खर्चा आया है। यह आप लोगों को भी और किसी लोगों को पता नहीं था कि एजुकेशन में भी कितना डेवलपमेंट हुआ है। खाली एक डिग्री कॉलेज की बात बता रहा हूँ मैं, नौबाद डिग्री कॉलेज में। अभी वुमेंस डिग्री कॉलेज बैलेंस है, आपको ओल्ड सिटी के अंदर गर्ल्स हाई स्कूल में कितने कॉलेजेस, PU कॉलेज बनाया हूँ, हाई स्कूल्स बनाया हूँ, वहाँ पे PU बॉयज़ कॉलेज बनाया हूँ, आपको नेक्स्ट टाइम उधर लेके जाता हूँ। और यहाँ के अंदर फैसिलिटीज़ भी बहुत बहुत चीज़ें, हर लैब क्लास 1 लैब बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बोले तो लोग क्या तो समझते हैं, आप आके देख सकते हैं, यहाँ पे सीट मिलना भी मुश्किल है। तो यहाँ पे 8-9 हज़ार जब स्टूडेंट है बोले तो आप इसका स्ट्रेंथ समझिए। और अभी मैं डेवलपमेंट करूँगा, अभी स्पोर्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ किया हूँ। अभी 7 एकड़ ज़मीन बाजू का है, तो वहाँ पे पूरा वॉकिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स के लिए भी बनाना है। और अभी आगे फ्यूचर में कुछ बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उनको बोला हूँ, अभी 5 करोड़ रुपए सेंक्शन करा के लाया हूँ भाई, उसका प्लान बन रहा है। अभी एक महीने 2 महीने के अंदर उसको जगह आइडेंटिफाई कराते कि काम चालू हो जाता है उसमें। मैसूर कौन सा यूनिवर्सिटी है, मैसूर ओपन यूनिवर्सिटी को भी अलग से जगह दिए हैं, तो उसको भी 5 करोड़ रुपये दिया हूँ। डीसी से जगह का क्लियरेंस होते कि वो पैसा तो आके रुके हुआ है।
तो इसी एक ही कैंपस में 15 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एजुकेशन के मैटर में मैं बोला था कि आपको 200 करोड़ से ज़्यादा आपको काम बताता हूँ बोल के, तो आज ये तो सडनली नैक की टीम आई बोल के मैं विजिट किया हूँ, क्योंकि मैं इसका चेयरमैन होता हूँ, मैं ही प्रेजिडेंट होता हूँ। हर डिग्री कॉलेजेस का, पीयू कॉलेजेस के, जितने कॉलेजेस स्कूल हाई स्कूल है ना, उसका चेयरमैन मैं ही होता हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो कॉलेजों को अच्छा सा डेवलपमेंट करूँ, और यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज में वेल पूरे क्वालिफाइड लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, स्टाफ पूरा है। थोड़ा बहुत अगर कुछ शॉर्टेज है तो वो भी कम्प्लीट करूँगा, और आपको नेक्स्ट मैं लेके जाऊँगा। जो मेडिकल कॉलेज को मैं बोला था आपको 20 करोड़ रुपये ला के दिया हूँ, जो मेडिकल कॉलेज तो पहले बना था लेकिन MCI उसको क्वेश्चन मार्क करके एक बार MCI का परमिशन कैंसिल हो गया था। तो वो लोग बता रहे थे कि नए क्लासरूम अभी नए टेक्नोलॉजी से, हाईटेक फैसिलिटी से बनना चाहिए बोले, तो उसको भी 20 से 25 करोड़ रुपए ला के Class 1 बनाया हूँ, आपको ले जाके नेक्स्ट ट्रिप में बताऊँगा। तो एजुकेशन इसमें भी किया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अभी और अच्छा से डेवलपमेंट करने के लिए। जी सर, एक सवाल है, पानी के जो पानी की टाँकी है, जनवारा पानी की टाँकी, वहाँ पर जो कॉलेज है गर्ल्स कॉलेज, वहाँ का एक बड़ा इशू है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सभी लैंग्वेज को अवेलेबल, मतलब कि अपने तरफ स्टूडेंट को ले रहे हैं, मगर हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनको सीधा बोल रहे हैं एडमिशन हमारे पास नहीं है, तो इस पर क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं, मैं ये काम करूँगा, मैं वहाँ पर विजिट करूँगा, उस टाइम आप सभी लोग आएंगे तो आपके भी क्वेश्चन, पब्लिक के भी, फिर स्टाफ वहाँ के, प्रिंसिपल वहाँ के, जो लेक्चरर्स है ना, बिल्कुल सामने अगर बातचीत हो गई तो ठीक रहता है। मैं शॉर्टली उधर विजिट करूँगा, एडमिशन का लास्ट डेट है सर, तो मैं अभी इस पर अभी बात करूँगा आपके सामने ही, वो प्रिंसिपल को होंदे, वहाँ के स्टाफ को होंदे, बात करके क्या प्रॉब्लम है वो इमीडिएट उसका सोल्यूशन निकालूंगा। सर, ये भी क्वेश्चन था कि हाल ही में आप एक बिदर यूनिवर्सिटी के लिए बिल पत्र लिखा, जी सर, तो बिदर यूनिवर्सिटी कब बनेंगे सर? बिदर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, उसके लिए फंड उन्होंने स्टार्टिंग के लिए फंड 2 करोड़ रुपये रिलीज कर रहे हैं। मेरा डिमांड था कि 100 करोड़ रुपये, लैंड है, लैंड अवेलेबल है, हाल ही में लैंड है, कम से कम 100 एकड़ लैंड है, ये हाल ही में बनी गई। मैं एजुकेशन मिनिस्टर को और असेंबली में चीफ मिनिस्टर को भी और हमारे स्पीकर को भी क्वेश्चन किया हूँ, रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि मुझे 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए बोल के, वो तो स्टार्टिंग के लिए 2 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट में तो मिलना मुश्किल है, अगले बाल हमारी गवर्नमेंट आएगी, ज़्यादा अगले बाल बोलते हैं 2-4 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट आ गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी वहाँ पे बना के बच्चे पूरे, क्योंकि बिदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही स्टूडेंट का पॉपुलेशन हो गया है, तो उसके लिए सेपरेट यूनिवर्सिटी करो बोल के हमारा डिमांड था, तो सेपरेट यूनिवर्सिटी किए हैं, लेकिन उसको अभी अच्छा सा डेवलपमेंट करना है ज़रूरी है। ನಾನು ಧನರಾಜ್ ಬಿರಾದರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನವಬಾದ್ ಬೀದರ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ನಾವು ಈ 23-24 ಫೆಬ್ರವರಿಯಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಪೀರ್ ಟೀಮ್ನವರು 3ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ CDC ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4 ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.